हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। कोरोना का कहर लगभग हर इंडस्ट्री पर देखा जा रहा है, फिल्म इंडस्ट्री भी इसकी मार झेल रही है। आलम यह है कि बड़े से बड़े सुपरस्टार्स की, बड़े से बड़े बजट की फिल्मों को भी अब टाला जा रहा है या फिर OTT प्लेटफॉर्म का सहारा लिया जा रहा है। वो फिल्में जिनसे थिएटर मालिकों को उम्मीद थी कि अगर ये रिलीज होंगी तो पिछले साल की भरपाई हो सकेगी, लेकिन इस साल भी स्थिति ज्यों की त्यों ही नजर आ रही है। और अब देखिए, इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है, फरहान अख्तर की फिल्म तूफान का। कहने को ये फिल्म 21 मई को रिलीज होनी थी और Amazon Prime Video पर इसको रिलीज किया जाना था, लेकिन जो फिल्म के मेकर्स हैं उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट को टालने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि फिल्म की रिलीज को आगे कर दिया गया है। हालांकि ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होनी थी, इसके साथ साथ खबरें ये भी थी कि इसको थिएटर्स में भी रिलीज किया जा सकता है, लेकिन अब दोनों ही जगह से फिल्म को हटाने का फैसला, यानी कि रिलीज डेट को पोस्टपोन करने का फैसला लिया गया है। जो तूफान के मेकर्स हैं उनका ये कहना है कि जब COVID-19 के मामलों में गिरावट आएगी या फिर स्थिति सामान्य होगी, अपनी फिल्म को वो OTT प्लेटफॉर्म पर भी और थिएटर्स में भी तभी रिलीज करेंगे। बता दें, फरहान अख्तर ने बाकायदा अपने इंस्टाग्राम पर तूफान को लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने इसकी रिलीज डेट बदलने की घोषणा की है। फरहान अख्तर ने अपने इस पोस्ट में लिखा है, इस समय देश के हालात बहुत खराब है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और राकेश ओम प्रकाश मेहरा पिक्चर्स की तरफ से हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस महामारी की वजह से प्रभावित हुए हैं। देश में जिस तरह की गंभीर परिस्थिति है, उसमें हम अपने यहाँ काम करने वाले सभी लोगों के परिवारों के साथ खड़े हैं। इसी कारण हम तूफान को आगे बढ़ाने का फैसला कर रहे हैं। हमारी फिल्म तब तक रिलीज नहीं होगी जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। सही समय आने पर हम तूफान की नई रिलीज डेट का ऐलान करेंगे। इसके अलावा फरहान अख्तर ने लिखा, कृपया अपने अंदर कोविड के लक्षणों का ध्यान रखें और सही समय पर कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। तूफान की पूरी टीम जनता से प्रार्थना करती है कि सभी घर पर रहें और सेफ रहें। यानी कि अब तूफान की रिलीज डेट भी टल गई है। बता दें, फरहान अख्तर इसमें एक बॉक्सर के किरदार में नजर आएंगे। बताइए आप कमेंट करके इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड थे, और साथ ही साथ जिस तरीके से फिल्मों की रिलीज डेट टल रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं।